विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति गोरखपुर के बैनर तले सोमवार को मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष बिजली विभाग के इंजीनियरों और कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में पूर्ण कार्य बहिष्कार करते हुए अपना विरोध जताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला मोर्चा से सरोजनी सिंह और संचालन इंजीनियर दीपक गुप्ता ने किया। इस संबंध में अजय कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा हमारी मांगों पर कोई विचार या पहल नहीं की जा रही है। संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा पूर्व में नोटिस दिए जाने के बावजूद सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया, जिसके कारण आज हम सभी ने पूर्ण कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान ब्रजेश त्रिपाठी, ऐश्वर्या सिंह, संदीप श्रीवास्तव, अशोक कुशवाहा, अरुण गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अजय कुमार ने कहा, अजय कुमार, केंद्रीय उपाध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन। ये कोई नया धरना प्रदर्शन नहीं है आज का, ये हमारा पिछले 35 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। 1 सितंबर से हमारी नोटिस के हिसाब से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार को कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए हमारी नोटिस के अनुसार ये आज 5 अक्टूबर से ये पूरे दिन का कार्य बहिष्कार है। अब इसके बाद हम लोग कार्य पे तभी लौटेंगे जब हमारी मांगों को मान लिया जाएगा, और मांग हमारी कुछ नहीं है, सिर्फ एक मांग है कि निजीकरण बंद हो। निजीकरण का विरोध हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने हठवादी रवैये के तहत जो हमारे ऊर्जा के सचिव हैं, प्रमुख सचिव ऊर्जा मिस्टर अरविंद कुमार जी, वो एकदम हट पे अड़े हुए हैं कि हमको निजीकरण की जो प्रक्रिया वो चला रहे हैं टेंडरिंग की, उसको समाप्त नहीं करना है। जबकि हमारी पिछले 5 अप्रैल 2018 में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री माननीय श्रीकांत शर्मा जी से वार्ता हुई थी, जिसमें लिखित रूप से समझौता हुआ था कि इसी व्यवस्था के तहत सुधार कार्यक्रम चलाए जाएंगे और लोगों को सस्ती बिजली, अच्छी बिजली दी जाएगी। लेकिन इस वार्ता का जो हमारे और उनके बीच हुआ था, उसका तोड़ते हुए प्रबंधन फिर से निजीकरण करने का मन बना रहा है, जिसका हम लोग तत्काल विरोध कर रहे हैं, और आज से ये विरोध अनिश्चितकालीन हो गया है। अब हमारा कोई भी कर्मचारी बिजली घर पे नहीं जाएगा, और निश्चित रूप से बिजली घर के संचालन की जिम्मेदारी अब सरकार की हो गई है। आपको सूचना मिल रही होगी, जगह जगह बिजली बाधित है, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, लोगों को पानी की समस्या आ रही है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की और प्रबंधन की है ऊर्जा की।